आज हम लोग करेंगे नॉर्ड वीपीएन का रिव्यू 2023 के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैंने वीपीएन के बारे में बहुत बात करी है। नॉर्ड वीपीएन का रिव्यू 2020 में भी किया था एंड मैं पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से इस वीपीएन को यूज़ कर रहा हूँ। तो आज हम लोग नॉर्ड वीपीएन का 2023 के लिए रिव्यू करेंगे। देखिए क्या आपको परचेस करना चाहिए, क्या इसके प्रोज है, क्या कौन से किन को परचेस करना चाहिए और नए रूल्स आने के बाद इंडिया में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सब कुछ आज के इस वीडियो में। NordVPN कंपनी के बारे में बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ओल्डेस्ट VPN आउट देयर। ये 2012 में पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था और NordVPN आता है नॉर्ड सिक्योरिटी के अंदर। नॉर्ड सिक्योरिटी में और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं NordVPN के साथ में, नॉर्ड लेयर, नॉर्ड पास, नॉर्ड लॉकर, इन दोनों का रिव्यू मैं कर चुका हूँ, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। एंड रिसेंटली सर्फशार्क VPN भी नॉर्ड के साथ में मर्ज हो चुका है। NordVPN के यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करें तो मैक में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में सर्वर्स मिल जाएंगे, राइट साइड में क्विक कनेक्ट का ऑप्शन है। काफ़ी एवरेज सा इंटरफेस है एंड इसको काफ़ी सालों से इंप्रूव नहीं किया गया, वैसे का वैसे ही है। और सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, इन सारी सेटिंग्स के बारे में अभी मैं आगे चल के बात करूँगा। एंड कनेक्ट करने के लिए यू जस्ट हैव टू क्लिक क्विक कनेक्ट एंड जो भी पास का जो भी सर्वर होगा ये उसे कनेक्ट कर देगा। iOS के बारे में बात करी जाए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं क्विक कनेक्ट के एंड देन नीचे सर्वर्स हैं। कुछ इसी तरह का ही आपको एंड्रॉइड पे भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल आ जाती है, सेटिंग्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। वी कैन सिलेक्ट अवर प्रोटोकॉल्स फ्रॉम हियर, कौन सा प्रोटोकॉल, ये स्टार्ट्स के ऑप्शन हैं। यहाँ पर कितना यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्विकली कनेक्ट दिस, तो इट्स गोइंग टू कनेक्ट मी टू मलेशिया, ठीक है, असाइन IP एड्रेस। देन वी हैव स्टैट्स ऑप्शन के, कितनी देर तक ये कनेक्टेड था, क्या इसका कनेक्शन टाइम है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। एंड बाकी चीज़ें यहाँ से चेंज हो सकती है। एंड देन सेटिंग्स से आपको राइट हैंड कॉर्नर मिल जाते हैं सेटिंग्स एंड यू कैन चेंज योर प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग। एंड्रॉइड पे भी आपको कुछ इस तरह का ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब सर्वर्स की बात करी जाए तो NordVPN के पास यहाँ पे 5000 प्लस सर्वर्स है 59 कंट्रीज़ में। इनके जो ज़्यादातर सर्वर्स हैं वो US में आपको देखने को मिलेंगे और यूरोप में मिलेंगे। इंडियन रीजन में आपको इनका कोई सर्वर नहीं मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि एक नए लॉ आए थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी इंडिया में सर्वर रखेगा उनको डेटा भी रखना पड़ेगा। उस लॉ के बारे में अगर और जानना है तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो इस लॉ की वजह से NordVPN ने अपने जो सर्वर्स थे वो इंडिया से हटा दिए हैं। सो एट प्रेजेंट इंडिया में कोई सर्वर नहीं है। आई होप वर्चुअल सर्वर्स ये लोग जल्दी ले आएँ, जैसे कि एक्सप्रेस वीपीएन के पास में है, सर्फशार्क के पास में है, लेकिन इंडिया के वर्चुअल सर्वर्स अभी तक NordVPN ने नहीं लाए हैं। देन यहाँ पर इनके स्पेशलिटी सर्वर्स भी हैं, डेडिकेटेड IP मीन्स आपको स्टैटिक IP मिल जाती है इन सारी लोकेशंस के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 लोकेशन से जहाँ की आपको स्टैटिक IP मिल जाएगी। देन वी हैव डबल VPN, इट मीन्स कनेक्शन यहाँ से दो जगह से बाउंस होकर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो सर्वर्स का यूज़ होगा, जैसे अगर मुझे UK से कनेक्ट करना है तो पहले वो फ्रांस पे जाएगा एंड देन UK से जाएगा। ये होता है डबल VPN, मल्टी ऑप VPN भी इसको बोलते हैं। Then we have obfuscated servers means जिन कंट्री में censorship होती है, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, या फिर स्कूल्स में VPN ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो जहाँ पर भी VPN ब्लॉक कर देते हैं वहाँ पर obfuscated servers usually work करते हैं। Then we have onion over VPN, अगर आपको Tor ब्राउजर के साथ में यूज़ करना है तो VPN का यूज़ करना है Tor के साथ में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। Then P2P के भी स्पेशलिटी सर्वर्स है फॉर डाउनलोडिंग, फॉर टॉरेंटिंग, दे आर स्पेशलिटी सर्वर्स फॉर दैट। स्पीड की बात करूँ तो जो मेरी ओरिजिनल स्पीड है वो 200 Mbps डाउनलोड, 200 Mbps अपलोड और पिंग मुझे मिला है 4 ms का। इनके कोई भी सर्वर्स इंडिया में नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे US सर्वर्स की टेस्टिंग करी, डाउनलोड थी 197 Mbps की, अपलोड था 30 Mbps, पिंग था 265। सिंगापुर सर्वर पर जब मैं गया तो डाउनलोड था 197, अपलोड था 90, पिंग था सिर्फ 68 ms। सो जो मुझे डाउनलोड स्पीड्स मिली है वो काफ़ी अच्छी मिली है US में, सिंगापुर में भी अच्छी थी। जो मुझे एक चीज़ यहाँ पे शॉक करी है वो है जो पिंग मुझे मिला है, वो था अंडर 70 ms। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिंग रेट्स दैट आई हैव गॉट, वो भी सिंगापुर में। तो फिर अगर आपको पिंग रेट अच्छा चाहिए या फिर अगर आपको गेमिंग करनी है VPN के साथ में तो NordVPN एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इनके सिंगापुर सर्वर्स के साथ में। डबल VPN भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया, उसकी भी मैंने स्पीड चेक करी है। तो जो मैंने UK और फ्रांस से कनेक्ट होने के बाद किया था उसकी डाउनलोड स्पीड थी 193 Mbps, अपलोड था 30, पिंग था 265। तो जो मल्टी ऑप VPN है, डबल VPN है, उस पर भी मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड्स देखने को मिली है। ओवरऑल स्पीड से मुझे यहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, डाउनलोड स्पीड्स काफ़ी अच्छी है, अपलोड स्पीड शायद से यहाँ पे थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। सिक्योरिटी की बात करूँ तो 256 bit का इंक्रिप्शन मिल जाता है। VPN प्रोटोकॉल्स में हमारे पास ओपन VPN है और NordLinux है। NordLinux इज अ वायर गार्ड प्रोटोकॉल ओनली, बस उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसका नाम चेंज कर दिया है। 2-factor ऑथेंटिकेशन मिल जाता है और कोई भी DNS लीक्स नहीं हुए थे मेरे एक्सपीरियंस में।
स्ट्रीमिंग की बात करूँ तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम तीनों पे वर्क किया है बिना कुछ प्रॉब्लम के। P2P ये सपोर्ट करता है, टॉरेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, टॉरेंटिंग के लिए स्पेशलिटी सर्वर्स भी है। लोकेशन की बात करूँ तो इट इज़ पैनामा बेस्ड, मतलब वहाँ पे डेटा रिटेंशन लॉज नहीं है। लॉगिंग पॉलिसी की बात करी जाए तो दे हैव अ नो लॉग पॉलिसी। एक बार उनकी हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी जाके देख लेते हैं तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ठीक है नो लॉग है, कोई भी ये लोग लॉग नहीं रखेंगे। वी डू नॉट स्टोर बैंडविड्थ, ट्रैफिक लॉग, आईपी एड्रेस और ब्राउजिंग डेटा जैसे आप लोग वीपीएन से कनेक्ट करते हो तो। लेकिन ये लोग क्या चीज़ स्टोर करते हैं तो सर्वर लोड इंफॉर्मेशन, ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम स्टैम्प ये लोग स्टोर करते हैं कि कब कौन सा यूज़र यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, लेकिन 15 मिनट बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है अगर आपने वीपीएन को डिसकनेक्ट कर दिया हो तो। और बेसिक कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन है जो कि ठीक है। इसके बाद इन ऐप इवेंट ये लोग कलेक्ट करते हैं बट उसको डिसेबल किया जा सकता है। यू कैन इजीली ऑप्ट आउट फ्रॉम ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। सो कुछ माइनर सा मिनिमल डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है ताकि ये ऐप फंक्शनिंग रहे। एंड देन यहाँ पे ऑडिट्स भी किए गए हैं। 2020 में यहाँ पे ऑडिट हुआ था नो लॉग पॉलिसी का, एंड देन 2018 में भी एक नो लॉग पॉलिसी का ऑडिट हुआ था। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीपीएन जिसने दो ऑडिट्स को करवाया है, 2018 में भी कराया, 2020 में भी कराया। एक्सप्रेस वीपीएन ने भी सिर्फ एक ही नो लॉग ऑडिट करवाया है और नॉर्ड वीपीएन ने यहाँ पे दो करवाए हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग। और उसके बाद भी यहाँ पे कंटिन्यूसली काफ़ी सारे ऑडिट्स हुए हैं उनके ऐप्स के, एंड्रॉयड ऐप का हुआ है, विंडोज़ वीपीएन, मतलब सबके यहाँ पर इन्होंने ऑडिट करवाए हैं। सो वी कैन से कि जो इनकी नो लॉग पॉलिसी है उसको ट्रस्ट किया जा सकता है। एंड जितने भी सर्वर्स हैं यहाँ पर वो है रैम सर्वर्स। रैम सर्वर्स मीन्स जो भी डेटा स्टोर रहेगा वो अपने आप ही यहाँ से रिमूव हो जाता है। रैम एक डायनामिक मेमोरी रहती है तो अगर किसी ने सर्वर को फिजिकली सीज भी कर लिया या फिर कंट्रोल भी कर लिया तो भी उनको यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिलेगा। एक्सप्रेस वीपीएन वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस रैम सर्वर्स, उसके बाद सर्फशार्क और नॉर्ड वीपीएन भी इसे ले आए हैं। स्प्लिट टनल की फंक्शनैलिटी आपको विंडोज़ और एंड्रॉयड में मिल जाएगी। कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो नॉर्ड वीपीएन पे आपको साइबर सेक करके एक फीचर मिलता है जो कि बेसिकली एक ऐड ब्लॉकर है, एड्स और ट्रैकर्स को ब्लॉक कर देता है जब भी आपका वीपीएन एक्टिवेट हो तो। मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी अच्छा काम किया है इसने। देन अनदर न्यू फीचर दैट दे हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस इज थ्रेट प्रोटेक्शन। ये काम वही करता है जो साइबर सेक करता है बट इट विल वर्क विदाउट इवन कनेक्टिंग टू द वीपीएन। सो वीपीएन यूज़ करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर सिर्फ आपको ऐड ब्लॉकिंग या फिर ट्रैकर ब्लॉकिंग चाहिए तो। एंड इसका लाइट वर्जन भी अगर आप लोग इसको वीपीएन से कनेक्ट करोगे सिर्फ तभी ये काम करेगा वो लाइट वर्जन में। जब वीपीएन अगर बिना वीपीएन के भी अगर आपको ये काम करना है तो जो इनका मेन वर्जन है दैट यू हैव टू टर्न ऑन। थ्रेट प्रोटेक्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर विंडोज एंड मैक ओनली, सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए ये एट प्रेजेंट अवेलेबल है। डिवाइसेज के बारे में बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट आपको हर डिवाइस पर मिल जाएगा, विंडोज़, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS, फायरफॉक्स सबके एक्सटेंशन से, एंड्रॉयड टीवी एंड ऑल द अदर मेजर पॉपुलर डिवाइसेज उन सब पे इसके ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यूजर्स की बात करूँ तो 6 साइमल्टेनियस यूजर्स यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट में आपको 24/7 का लाइव चैट सपोर्ट मिल जाता है जो कि मेरे एक्सपीरियंस में अच्छा था। अब इससे पहले मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि नॉर्ड वीपीएन ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ही मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके। थैंक यू। अब डिस्काउंटेड प्राइसिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले जाना है मेरे लिंक के ऊपर go.kripeshadwani.com/nordvpn। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कूपन कोड ऑटो अप्लाइड हो जाएगा, आपको मैनुअली यहाँ पे कूपन कोड एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एंड देन दिस पेज विल ओपन जहाँ पर आपको 4 महीने एक्स्ट्रा फ्री में मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक दिस गेट द डील एंड देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। 2 साल का भी है, 1 साल का भी है। जो बेस्ट प्लान रहेगा वो रहेगा 2-year plan। 2-year plan में जो स्टैंडर्ड वाला है, स्टैंडर्ड मीन्स सिर्फ वीपीएन। अगर आपको वीपीएन के साथ में दूसरे भी चीज़ें चाहिए जैसे कि इनका नॉट पास, अगर आपको वो भी चाहिए, पासवर्ड मैनेजर, नॉट पास, तो आपको इसके लिए यहाँ पर ये वाला प्लान लेना पड़ेगा। एंड देन इफ़ यू नीड नॉट लॉकर एज वेल तो फिर ये वाला प्लान लेना पड़ेगा। दोनों के रिव्यूज़ मैं कर चुका हूँ, वो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इस प्लान पे जाते हैं सिर्फ वीपीएन वाले में। यहाँ पर आपको 30 डे की मनी बैक गारंटी भी मिल जाती है। एंड देन जो इसकी प्राइसिंग आपको मिलेगी मेरे लिंक पे जाने के बाद वो ये रहेगी, 28 मंथ्स आपको मिलेंगे फॉर $88। पहले नॉर्ड वीपीएन में 3 साल की प्राइसिंग पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलते थे, अब इन्होंने यहाँ पे 2 साल कर दिया है उसको कम करके। सो दैट इज़ रियली गुड। अब इससे पहले मैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँ, अगर अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप जरूर दीजिएगा। कुछ प्रोज के बारे में बात करी जाए तो स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है, पिंग रेट बहुत अच्छा है, 2 बार नो लॉग ऑडिट हो चुका है, रैम सर्वर है, स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा है, एड ब्लॉकर की फंक्शनैलिटी है और डिफरेंट सर्वर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑफस्केटेड, स्टैटिक आईपी, ओनियन ओवर वीपीएन, सब कुछ। अब नॉर्ड वीपीएन के कुछ कॉन्स के बारे में बात करी जाए
तो इट वॉज हैक्ड वंस इन 2018। इसका एक सर्वर था जो फिनलैंड का एक सर्वर था, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। एंड ठीक है, सर्वर्स वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभार हो जाते हैं, बट इनको इंसिडेंट के बारे में पता चला था 13 अप्रैल 2019 में, और इसको अगले 6 महीने तक पब्लिक में रिवील नहीं किया गया था। इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे यूज़र्स ने बोला भी था कि ऐसा क्यों हुआ है, बट नॉर्ड वीपीएन का ये कहना था कि क्योंकि उस सर्वर में कुछ वल्नरेबिलिटीज थी, तो वो मेक श्योर करना चाहते थे कि जो सारी वल्नरेबिलिटीज है वो सब रिजॉल्व हो जाए, ताकि उसको यहाँ पर कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। अब ये चीज़ यहाँ पर टॉर गार्ड के साथ में भी हुई थी। नॉर्ड वीपीएन, टॉर गार्ड और वाइकिंग वीपीएन तीनों के सर्वर्स ब्रीच हुए थे, और जो टॉर गार्ड ने इसको यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया था, काफ़ी जल्दी इसको रिजॉल्व भी कर दिया था। और टॉर गार्ड का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वैसे इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन क्योंकि मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। गुड थिंग इज़ कि इसके बाद में यहाँ पे नॉर्ड वीपीएन में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं। रैम सर्वर्स आ गए हैं, 2 बार इनकी नो लॉक पॉलिसी का ऑडिट हो चुका है, ऐप्स के भी ऑडिट हो चुके हैं, और उसके बाद से इनकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी और क्लीन रही है। दूसरा कौन है कि जो इसका डेस्कटॉप ऐप है वो मुझे काफ़ी एवरेज सा लगा है। तीसरा कौन है कि जो इनके सर्वर्स है वो इंडिया में नहीं है, वर्चुअल सर्वर्स भी एट प्रेजेंट नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक नॉर्ड वीपीएन इज अ ग्रेट ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे गेमिंग करनी है, तो पिंग रेट इसका काफ़ी कम है, या फिर अगर आपको यूएस के सर्वर्स यूज़ करने हैं। अगर आपको इंडिया के सर्वर्स नहीं यूज़ करने हैं, देन नॉर्ड वीपीएन कैन बी अ गुड ऑप्शन। गेमिंग के लिए अच्छा है, स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा है, प्राइवेसी पॉलिसी भी अच्छी है, एंड डिफरेंट सर्वर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ऑफर्स क्रेडिट, P2P, ओनियन ओवर वीपीएन, तो अच्छी फंक्शनैलिटी और फीचर्स ये प्रोवाइड करता है फॉर द प्राइस पॉइंट। लेकिन अगर आपको इंडिया के सर्वर्स यूज़ करने हैं, तो फिर यू शुड गो विथ सर्फ शार्क या फिर एक्सप्रेस वीपीएन। सो दैट इज इट फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज करके, एंड लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।